पकौड़े ले लो पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, जल्दी आओ गरम गरम पकौड़े खाओ। तो हे गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप पकौड़े बेचते हुए करेक्टर कैसे, वीडियोस कैसे बना सकते हो। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पकौड़े खाते हुए करेक्टर को कैसे आप दिखा सकते हो, तो वो वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसमें मैंने आपको एक करेक्टर भी फ्री में दिया पकौड़े वाले चाचा जी, वो वीडियो जाके देख लो और अपना करेक्टर भी वहाँ से ले लेना। तो वीडियो बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक साइकिल और एक टोकरी की PNG। PNG आपको गूगल में मिल जाएगा। बस साइकिल पे आपको ध्यान देना हो कि पीछे की तरफ उसकी कैरियर होनी चाहिए ताकि इस पे हम सामान रख सकें। सबसे पहले आपको टोकरी के PNG को अपना IBS पेंट एप्लीकेशन में ले आना है और आपको जो भी ऐड करना होगा जो साइकिल पे बिछवाना हो, जैसे मैंने यहाँ पकौड़ा रखा है वैसे ही आप जो भी मन हो अपने करेक्टर के हिसाब से वो ऐड कर लेना। जैसे मैं पकौड़ा यहाँ पे रख रहा हूँ, तो पकौड़ा का PNG डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से आपको पूरी टोकरी पे ये पकौड़ा जो है उसे फैला देना। देखो कुछ इस तरह से मैं फैला रहा हूँ, फैला देना है। उसे फैलाने के बाद इसे आपको ऑफ कर लेना होगा, सेव। सेव करना आपको सेव एज अ ट्रांसफेरेड PNG पे आपको सेव कर लेना है। ऐसे ही आपको अपनी साइकिल का PNG ले आना है। ले आने के बाद लेयर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, कैमरे वाले ऑप्शन में जाएंगे और हमारा जो टोकरी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है पकौड़े के साथ उसे यहाँ पे ले आना है। और देखो साइकिल का जो बैरियर है, कैरियर बोलते शायद, कैरियर पे यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे एडजस्ट करके यहाँ पे रख लेना होगा ताकि लगे कि यहाँ साइकिल टोकरी रखा हुआ है। देखो कुछ इस तरह से हम रख लेंगे। रख लेने के बाद आपको फिर यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन में चले जाना है। जाने के बाद ब्रश में जाके बॉल पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर लेना और इसकी जो लेंथ है उसे फुल कर लेना। यहाँ पे कलर चूज कर लेना, आपको जो भी कलर चाहिए, ब्लैक या रेड, मैं यहाँ पर रेड कर रहा हूँ। इसकी लेंथ को फुल कर लेना है आपको और यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर लेना ताकि लगे ये रस्सी बंधी हुई है इस टोकरी के साथ, साइकिल के साथ। बस इतना ही करना है, हमारा साइकिल यहाँ पर रेडी हो जाएगा और इसे भी आपको सेव कर लेना, सेव एज अ ट्रांसपेरेंट PNG पे। अब आपको अपना करेक्टर ले आना, जो भी करेक्टर आपको यूज़ करना हो वीडियो पे। ले आने के बाद यहाँ पर ध्यान पे देखना, इरेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर के साइड जो आपको लेग दिख रही हो करेक्टर की उसे हम इरेज कर देंगे और ये जो चेस्ट आपको दिख रही होगी करेक्टर की, ये चेस्ट भी आपको डिलीट कर लेना है। और यहाँ पे जो इसकी फेस है, फेस डिलीट करना, ऊपर की साइड माउथ है इसकी, उस पर हम क्लीन कर लेंगे और इसे आपको सेव कर लेना, सेव एज अ ट्रांसपेरेंट PNG पे। सेव कर लेने के बाद अब अनडॉक ऑप्शन में फिर से हम जाएंगे, उसे बैक कर लेंगे पूरी तरह से। कर लेने के बाद इस बार हम लेग और हैंड को अच्छी तरह से इरेज कर लेंगे। जैसे लेग मैंने पूरी तरह से यहाँ पे इरेज कर दिया सारी लेग्स, और हैंड भी अच्छे से इरेज कर देना है। बस बाकी रह जाएगा जो चेस्ट का पोर्शन और फेस का पोर्शन है वो बाकी रख के इसे भी हम आपको सेव कर लेना, सेफ एज अ ट्रांसपेरेंट PNG पे। अब हम अपना क्रोमाटोन एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे और करने के बाद जो हमने अभी सेव किया है दो करेक्टर उसे हम ऐड यहाँ पे कर लेते हैं। दोनों करेक्टर ले आना है आपको। ले आने के बाद देखो जो फेस वाला करेक्टर जो यहाँ पे दिख रहा होगा जिसका फेस, उसके एनिमेशन वाले ऐड वाले ऑप्शन में जाएंगे हम और डिफॉल्ट में जाके यहाँ पे टोक वाला जो एक एनिमेशन होता है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो टोक वाला मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद देखो यहाँ IK करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको टच कर लेना है और जो ये हैंड आपको दिख रही होगी कुछ इस तरह से ऐसे करके दोनों हैंड को कुछ इस तरह से फैला देना और पैर को देखो थोड़ा सा फोल्ड करके कुछ इस तरह से हम रख लेंगे और इस वाले ऑप्शन में जाके हम थोड़ी सी जूम कर लेंगे ताकि हमारा वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी आ सके। आने के बाद बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसे ग्रीन BG पे सेट कर लेंगे और रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में जाके इसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। आपको जितनी डेकोरेशन चाहिए उतनी देर तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब हम अपना काइनमास्टर ओपन कर लेते हैं और यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे एसेट्स में जाके कोई भी एक कलर ले लेना है आपको। लेने के बाद यहाँ कलर्स ऑप्शन में जाएंगे और इसे ग्रीन कर लेंगे। देखो इस तरह से आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। कर लेने के बाद इसकी लेंथ को हम बढ़ा देंगे जितनी आपको लेंथ चाहिए होगी। रहने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन में जाएंगे और हमने जो साइकिल के साथ जो टोकरी ऐड की थी उसे हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड करने के बाद इसकी भी डेकोरेशन हम बढ़ा देंगे। कुछ इस तरह से आपको जूम करके रखना है, देखो इतने ही जूम करना है आपको ताकि हम अपना करेक्टर भी इस पर बिठा सकें। तो फिर से हम इसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं और फिर हम मीडिया वाले ऑप्शन में जाएंगे और जो हमने करेक्टर रिकॉर्ड किया है उसे हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। करेक्टर ले आने के बाद फर्स्ट टाइम तो आपको यहाँ पे जो इसकी चेस्ट और इसकी फेस जो दिख रही होगी इसे हम क्रॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। कर लेने के बाद यहाँ पे इसकी क्रोमा की है उसे भी हम इनेबल कर लेते हैं।
और क्रोमा की को थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। कर लेने के बाद हम करेक्टर को यहाँ पे बिठाएंगे। देखो करेक्टर को आपको कुछ इस तरह से बैठाना है ताकि ये जो साइकिल की आपकी जो सीट दिख रही होगी उसके साथ ये करेक्टर अच्छे से कवर हो सके। माने आपको सीट है उसे अच्छी तरह से यहाँ पे कवर कर लेना। देखो कुछ इस तरह से हम कवर कर लेंगे। अब हम इस पर जाते हैं मिडल ऑप्शन में, फिर से हमने जो रिकॉर्ड किया था इस बार ले आते हैं। ले आने के बाद इस बार हम इसकी लेग को ऐड करेंगे, तो लेग को भी हम क्रॉप यहाँ पे करके हटा लेते हैं। बस इसकी जो लेग है उसे हम बस क्रॉप करेंगे। यहाँ पे कर लेने के बाद इसका भी जो क्रोमा की है उसे हम इनेबल कर लेंगे। इसमें भी आपको देखो कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। कर लेने के बाद इसकी लेग को हम थोड़ी लेंथ बढ़ा लेंगे। हम यहाँ पे वीडियो पे आपको ध्यान से देखना है, जैसे मैं बैठा रहा हूँ वैसे ही आपको कर लेना है। देखो कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे, थोड़ी सी इसकी फोल्ड कर लेंगे, इसकी थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे इसको, ताकि अच्छे से यहाँ पर फिट हो सके। तो कुछ इस तरह से हम इसकी लेग की लेंथ यहाँ पर बढ़ा लेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान से देना होगा, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ लेने के बाद थ्री डॉट पे जाएंगे और सेंड बैकवर्ड पे हम क्लिक करेंगे। सेंड बैकवर्ड से होता है कि आपका एक लेयर पीछे की तरफ चला जाता है। अब हम इसी लेग का एक डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ लेग वाले में जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे और इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। कर लेने के बाद इसे आपको थ्री डॉट पे आपको चले जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद इस बार आपको देखो सेंड टू बैक पे करना है। सेंड टू बैक करने से पूरी लेयर पीछे की तरफ चल जाती है, सबसे पीछे। और कुछ इस तरह से देखो लेग को एक ऐसे रहेगी और एक ऐसे, मतलब एक आगे और एक पीछे की तरफ यहाँ पे रहेगी लेग हमारा। रहने के बाद फिर से हम जाएंगे मिडल ऑप्शन में और इस बार हम जो अपने हैंड है उसे हम ले आते हैं। तो देखो यहाँ लेफ्ट राइट दो हैंड है, तो सबसे पहले हम राइट वाली हैंड को यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे। देखो कुछ इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है। इसे क्रॉप कर लेने के बाद इसका भी जो क्रोमा की है उसे हम इनेबल कर लेंगे और इसकी हैंड को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, जूम कर लेंगे। करने के बाद थ्री डॉट पे जाएंगे और सेंड टू बैक पे इस बार क्लिक करेंगे। कर लेने के बाद इसे हमें अच्छे तरह से एडजस्ट कर लेना होगा, थोड़ी सी हम बड़ी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ पे आपकी जो हैंड है वो हैंडल के साथ लगनी चाहिए, अटैच है। और आपकी बाँह पे देखो कुछ इस तरह से हम अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। कर लेने के बाद मीडियम वाले ऑप्शन में जाएंगे और फिर से हम इसका जो सेकेंड वाला हैंड है उसे भी हम ले आते हैं, मतलब लेफ्ट की जो हैंड है उसे ले आने के बाद इसे हम क्रॉप कर लेंगे। कर लेने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना, ये इधर साइड मुड़ी हुई है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफार्मर का, देखो ट्रांसफार्मर के इसको क्रोमा की हम इनेबल कर लेते हैं पहले, सबसे पहले। तो फिर इसके बाद आपको एक ऊपर की साइड एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का, ट्रांसफॉर्म में हम जाएंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे जाओगे यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन मिलता है। फ्लिप करोगे जैसे ही ये आपकी हैंड यहाँ पे मुड़ जाएगी, तो यहाँ पे इसे भी हम यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं अच्छी तरह से। इंक्रीज कर लेने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे हैंडल, और इसकी बाँह पे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये लगे दोनों हाथों से ये अपना हैंडल, साइकिल का जो हैंडल है वो पकड़ा हुआ है। इतना कर लेने के बाद हम इस वीडियो को अब कर लेते हैं एक्सपोर्ट यहाँ से। अब हम फिर से अपना काइन मास्टर पे आ जाएंगे और यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन में जाएंगे और इमेज एसेट्स में जाके एक ब्लैक कलर की ले लेंगे। लेने के बाद जो हमें वीडियो की लेंथ जितनी चाहिए वो यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। कर लेने के बाद अब हम लेयर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम बैकग्राउंड ले आएंगे, जो भी आपको बैकग्राउंड डालना हो। तो बैकग्राउंड के लिए कुछ ऐसा है कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कैसे आप अनलिमिटेड बैकग्राउंड बना सकते हो, तरह तरह के बैकग्राउंड ला सकते हो अपने वीडियोस के अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे कहाँ से। तो उसके लिए ये वीडियो जाके ज़रूर से देख लेना, आपको पता चल जाएगा बैकग्राउंड कैसे आते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लाया है, ये बैकग्राउंड थोड़ा लॉन्ग वाला है ताकि हम यहाँ पे एनिमेशन दे सके। तो देखो ये बैकग्राउंड लाने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ऊपर और नीचे की तरफ ये बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से फ्रेम के साथ सेट कर लेना। कर लेने के बाद इसके लास्ट में ले आना है, राइट साइड की जो लास्ट रहती है ना, राइट दिख रही होगी आपको राइट साइड, यहाँ पे कुछ इस तरह से हम यहाँ रख लेंगे इस बैकग्राउंड को। रखने के बाद इसकी बैकग्राउंड की लास्ट में जाएंगे हम, और इसकी लास्ट में जाने के बाद जो इसकी लेंथ है उसे हम ट्रिम कर लेते हैं लास्ट में जो बच रही है। और इसमें देखो एनिमेशन वाली जो की है उस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और ये बैकग्राउंड को धीरे धीरे घसकाते हुए लेफ्ट टू राइट के साइड हम ले आएंगे। देखो कुछ इस तरह से घसकाते घसकाते आपको लास्ट तक ले आना है, और यहाँ पे लास्ट जो इसकी छोर दिख रही है यहाँ तक रोक देना है। देखो कुछ इस तरह से हमारी फ्लोटिंग बैकग्राउंड यहाँ पे बन जाती है, जो देखने में कितना सही लगता है। तो ये बन चुकी है, अब हम वीडियो वाले ऑप्शन में जाएंगे और जो हमने अभी जो एक्सपोर्ट किया है वीडियो वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और इसकी जो क्रोमा की है उसे भी हम इनेबल कर लेंगे। यहाँ से कर लेने के बाद यहाँ पे अच्छे से आपको एडजस्ट कर लेना है ताकि जो ग्रीन स्क्रीन है वो हट जाए अच्छी तरह से हमारी करेक्टर के साथ। तो यहाँ पे हट जाने के बाद इस करेक्टर को हमें अच्छी तरह से यहाँ पे फ्रेम के साथ अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो बैकग्राउंड हमें
हमारी जो है थोड़ी जूम करके, इसलिए हम यहाँ पे करेक्टर को भी थोड़ा जूम करके रखेंगे ताकि यहाँ पे अच्छे से वीडियो के लिए हमारा करेक्टर जो है सेट हो सके। देखो कुछ इस तरह से हम रख लेंगे, देखने को आपको मिल रहा होगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे देखो हम कुछ इस तरह से वीडियो पे बनाएंगे ताकि जो ये पकोड़े वाला जो करेक्टर है वो पकोड़ा बेचते बेचते हुए फ्रेम से यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो देखो कुछ इस तरह से निकालने के लिए आपको यहाँ पे देखो जो करेक्टर है, करेक्टर की आपको हाफ से थोड़ा सा साइड में लेके, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेके यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा। तो ट्रिम वाले में जाएंगे और यहाँ से स्प्लिट कर लेंगे। कर लेने के बाद वीडियो की लास्ट छोर में हम जाएंगे, करेक्टर की लास्ट छोर में हम जाएंगे और एनिमेशन वाला जो की है उसे हम क्लिक कर लेंगे। कर लेने के बाद जो हमारा करेक्टर है उसे हम यहाँ लेफ्ट की तरफ यहाँ पे घसकाते हुए जाएंगे। देखो कुछ इस तरह से घसकाते हुए आपको ले जाना है बाहर की तरफ, ये हमारा करेक्टर यहाँ पे बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो देखो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बोलते हुए जा रहा है और इसके बाद बोलते हुए बैकग्राउंड से ये बाहर की तरफ निकल जाता है। देखो कितनी स्मूथ तरीके से ये निकल रहा है। तो इसी तरह से आप सभी बना सकते हो पकौड़े बेचते हुए करेक्टर। तो ये आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ यार बहुत मेहनत से आप सबके लिए ये सब ट्यूटोरियल्स लाते हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब करने में तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बट इससे हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है गाइज। और कमेंट में बताना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर हमें कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूलना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो पे जल्द।